शांति। आज की तारीख है 23/9/21 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं मीठे बच्चे मन मना भव का मंत्र पक्का कराओ, एक बाप को सदा फॉलो करो, यही है बाप का सहयोगी बनना। प्रश्न है, पुरुषोत्तम बनने का सहज और श्रेष्ठ पुरुषार्थ क्या है? उत्तर है, मीठे मीठे बाबा जवाब देते हुए कहते हैं कि हे पुरुषोत्तम बनने वाले बच्चे, तुम सदा श्रीमत पर चलते रहो, एक बाप को याद करो और कोई भी बात में इंटरफियर ना करो, खाओ पियो सब कुछ करो लेकिन बाप को याद करते रहो तो पुरुषोत्तम बन जाएंगे। पुरुषोत्तम वही बनते जिन पर बृहस्पति की दशा है, वो कभी श्रीमत की अवज्ञा नहीं करते, उनसे कोई उल्टा कर्म नहीं होता। गीत बजा है, ओम नमः शिवाय पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। धारणा के लिए मुख्य सार के दो ज्ञान बिंदु। नंबर एक, कोई भी डिससर्विस का कार्य नहीं करना है, यानी बाबा का नाम बदनाम हो ऐसा कोई भी काम नहीं करना है, कोई ऐसा भी कर्म न हो जिससे बाप की निंदा हो, अवज्ञाओं से बचना है और पुरुषोत्तम बनना है। नंबर दो, माया के तूफानों से डरना नहीं। बाबा हिम्मत बंधाते हैं और हिम्मत आगे बढ़ाकर कहते हैं कि पावन बनने के लिए याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। अगर हिम्मत न खुटानी हो तो आप क्या करो? बाबा कहते हैं बाबा को याद करो। वरदान सतगुरु बाबा का, विस्तार को सार में समाकर, यानी सागर को गागर में समाकर अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले बाप समान लाइट माइट हाउस भव। मीठे मीठे बाबा कहते हैं कि बाप समान लाइट माइट हाउस, बाप समान लाइट माइट हाउस बनने के लिए कोई भी बात देखते हो व सुनते हो तो उसके सार को जानकर एक सेकंड में समा देने व परिवर्तन करने का अभ्यास करो, क्यों क्या के विस्तार में नहीं जाओ, क्योंकि किसी भी बात के विस्तार में जाने से समय और शक्ति व्यर्थ जाती है, तो विस्तार को समाकर सार में स्थित होने का अभ्यास करो। इससे अन्य आत्माओं को भी एक सेकंड में सारे ज्ञान के सार का अनुभव करा सकोगे। स्लोगन है, अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाओ तो सेवा में वृद्धि स्वतः होगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम।
शांति।